मंगलवार रात को घोषणा की कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा जनरल मनोज पांडे की जगह अगले सेना प्रमुख होंगे। वो इस पोस्ट पर जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। बता दें कि जनरल पांडे को पहले 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने पिछले महीने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए उनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में जब जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होंगे और इसके बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ का जिम्मा लेंगे। आइए जानते हैं कौन है नए आर्मी प्रमुख। 1 जुलाई 1964 को जन्मे उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र हैं और 15 दिसंबर 1984 को उन्हें भारतीय सेना की 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। बाद में उन्होंने यूनिट की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी फॉर कॉलेज के भी पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और आर्मी वॉर स्कूल महू से भी पढ़ाई की है। लेफ्टिनेंट जनरल के पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल, स्ट्रेटेजिक स्टडीज और सैन्य विज्ञापन में 2 मास्टर डिग्री है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। लगभग 40 सालों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमान स्टाफ और विदेश की नियुक्तियों में कार्य लिया। कमान की उनकी नियुक्तियों में रेजिमेंट की कमान 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ब्रिगेड, सेक्टर 26 असम राइफल्स, असम राइफल के DIG 9वीं कोर और उत्तरी कमान के प्रमुख 2022 से 2024 शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन्फेंट्री के महानिदेशक भी रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC-IN-C प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने रीवा स्थित सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्कूल कॉलेज वेलिंगटन और आर्मी वॉर स्कूल महू में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उन्होंने डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में एमफिल किया और उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड मिलिट्री साइंस में 2 स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं। नए सेना प्रमुख द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर व्यापक परिचालन अनुभव है। उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निरंतर सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बेहतरीन कौशल दिखाया है।